मेरा नाम सरमन कौल, कितने इधर देखेंगे वर्ष कितने की सजा काटी है आपने? 14 वर्ष के इस दिन क्या हुआ था? पूरा घटना कौन हो गया? पीने खाने में झगड़ा हुआ, चोट ज्यादा लग गई। कैसे झगड़ा हुआ था? बड़े ससुर उनकी डेथ हो गई जी। तो अभी कोई लेने आया आप? नहीं, क्यों? मेरे कोई है नहीं, घर वाले घर है। तो क्या है, तो बच्चे वगैरह? बच्ची हैं दो, शादी शुदा होगा तो अपने घर बेकार हो गए। आप जब जेल में बंद थे इस दौरान कोई आपसे मिलने? कोई नहीं, कोई भी परिवार का? कोई भी नहीं। जेल में रहकर सीखा आपने? वो जेल का काम करता रहा। भगवान की क्या सोचा है? आगे कुछ काम धाम में मजदूरी, कृषि कार्य करूंगा या कि पशुपालन, कुछ न कुछ से जीवन यापन करने के लिए। मरी है ग्राम तो लगा, अभी कहाँ जाएंगे आप? घर जाऊंगा। क्या नाम है आपका? मुन्ना राम निवास कटवार। क्या कब से यहाँ जेल में है आप? क्या घटना हुई थी? 302 हो गया था ये। हम जेल में है 9/5/2010 से। किसका मर्डर हो गया? एक यादव जी थे, वो हमारे पिताजी को उल्टा सीध बोले थे, तो हम तो माफी मांगने गए थे समझाने, लेकिन जब वो नहीं हमको भी बार करने लगे तो फिर हम उनको मार दिए। अब आप छूट गए, अब क्या होंगे, क्या करेंगे? आगे जाएंगे कहीं भी जाल करके, ढाबा वाबा खोलेंगे कहीं व्यवस्था करके। यहाँ पर बर्ची चलाते थे, बाहर ढाबा चलाएंगे। क्योंकि आपको पछतावा है उनको मारने का? पछतावा काहे ना रहेगा, 14-15 साल सजा काट के आदमी छूटता तो गलती तो हो गई। अब वो तो गलती का पछतावा तो करना पड़ेगा, वो तो ऊपर चले गए, अब नीचे हम ना भोग रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए? ये ऐसा ना करें, और लोग जो है ऐसा ना करें, गुस्सा बर्दाश्त करें, अपना कायदे से रहें, बस क्षमा की मांग ले उससे कि भैया क्षमा कर दो तुम मुझे। कितने वर्ष में आपको काटना पड़ा? हमको काटना पड़ा 14 साल 4 महीना 23 दिन। परिवार के लोग मिलने आते थे? आते थे। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 5 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इनमें 4 पुरुष कैदी हैं और 1 महिला कैदी है। ये सभी कैदी IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन सभी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था, जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन से इनके नामों को अनुमति मिल जाने के बाद आज इस पावन अवसर पर रिहा किए जा रहे हैं। इन सभी कैदियों ने अपने जेल में रहने के दौरान जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है, उद्योग धंधे चल रहे हैं, उसमें इन्होंने जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसके तहत ये बाहर अपना जीवन यापन करेंगे, रोजी रोटी कमाएंगे, साथ ही साथ समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने भी इन कैदियों को पुनर्वास से जोड़ने के लिए शासन की जो भी योजनाएं चल रही हैं, संबंधित जिले के कलेक्टर महोदयों को, जिला पंचायत सीओ को और साथ ही साथ सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को भी पत्राचार किया है कि ताकि शासन की जो योजनाएं पुनर्वास से रिलेटेड चल रही हैं तो हमारे कैदियों को भी उनका लाभ प्राप्त हो सके। और इन सभी कैदियों को हम लोगों ने ये सलाह दिया है, सीख दिया है, सुझाव दिया हुआ है कि पुनः ऐसा कोई कृत्य अपराध न करें जिससे इनको पुनः जेल में आना पड़े। और इसके अलावा इन कैदियों ने 14 वर्षों में जो यहाँ काम करने के एवज में जो पारिश्रमिक प्राप्त किया है उसका आज पूरा इनको उसकी पासबुक, विड्रावल फार्म आदि सब कंप्लीट करके दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक रिहाई प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है कि ये आज से जेल से निर्मुक्त हैं, जेल से इनका किसी भी प्रकार का आज से कोई लेना देना नहीं है और ये एक अच्छे और सभ्य नागरिक के रूप में रह करके अपनी समाज में अच्छी भूमिका का निर्वहन करेंगे। थैंक यू।